प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भर्ती घोटाले का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। एनएचएम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 2500 पदों पर निकाली गई भर्ती से विभाग के आला अधिकारी और मंत्री अनजान रहे और उच्च अधिकारियों ने पूरा खेल खेलते हुए गड़बड़ झाले को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली थी। शनिवार को परीक्षा भी होने वाली थी, इससे पहले ही घोटाले के काले पन्ने खुल गए और सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। पेश है एक रिपोर्ट। एनएचएम में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पद सरकार ने तैयार किया और उसके तहत ही प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 2500 पदों पर भर्ती निकाली गई। इसके लिए मंत्री और उच्च अधिकारियों की नाक के नीचे भर्ती में बड़ा घोटाला करने का ताना बाना बुना गया था। हैरानी की बात ये रही कि भर्ती से ACS और चिकित्सा मंत्री को भी दूर रखा गया। जब प्रदेश के विधायकों के पास इसकी जानकारी पहुंची तो मंत्री का फोन भी बजने लगा, लेकिन खुद चिकित्सा मंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ACS से पता करना चाहा तो वहां से भी जवाब ना में मिला। बहरहाल मंत्री रघु शर्मा ने भर्ती को एक बड़ा घोटाला मानते हुए इस भर्ती पर रोक लगा दी है। इस कारण शनिवार को परीक्षा रोक दी गई। NHM में भर्ती घोटाला, सवालों के घेरे में भर्ती, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर निकाली गई भर्ती, 2500 पदों पर NHM ने किया गड़बड़ झाला, भर्ती और परीक्षा से अनजान रहे उच्च अधिकारी और मंत्री, विभागीय अधिकारियों ने रचा भर्ती का ताना बाना, ACS और चिकित्सा मंत्री को रखा अंधेरे में, बगैर सूचना के जिम्मेदार करा रहे थे भर्ती, मंत्री उच्च अधिकारी की नाक के नीचे रचा खेल, चिकित्सा मंत्री ने भर्ती पर लगाई रोक। नहीं, घोटाला वोटाला तो कुछ हुआ नहीं है। घोटाला की संभावनाएं बता रहे हैं लोग, लेकिन भर्ती होने से पहले प्रक्रिया को हमने रोक दिया है। जब भर्ती रुक गई है तो घोटाला किस बात का। हाँ, मैं विभाग के मंत्री के तौर पे मेरे पास कोई सूचना नहीं थी, ना विभाग के प्रमुख शासन सचिव के पास कोई कोई सूचना थी, और इस बात को गंभीरता से हमारे पास जैसे ही नोटिस में आया हमने इसको रोक दिया। उधर भर्ती घोटाला का पता लगते ही अभ्यर्थियों के होश उड़ गए। एक बार तो चौंके और विश्वास भी नहीं किया। उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि चिकित्सा महकमे में 2500 पदों की बड़ी भर्ती में ऐसा घोटाला हो सकता है। तो उधर UTB नर्सेज कर्मचारियों ने भर्ती पर पहले ही अंदेशा जताया था। बकौल उनका कहना है कि जब भर्ती का पहला चरण शुरू हुआ था उसमें हमें अलग कर दिया था और मात्र NRHM के संविदा कर्मचारियों को ही काबिल माना गया। तो वहीं संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि घोटाले की बू तो एक महीने पहले भर्ती के लिए निकाली गई विज्ञप्ति और एक महीने में ही परीक्षा होने पर ही आ गई थी। समय रहते महाघोटाले का खुलासा होकर रोक लग गई है। अब सरकार से गुजारिश है कि भर्ती कांड में शामिल मास्टरमाइंड और उच्च अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जिससे फिर से कोई हमारे सपनों से खेलने की कोशिश ना करे। हमने फॉर्म लगाया, भरी दी थी फीस, और इसके बाद पता लगा कि ये जो पोस्ट थी वो थी नहीं। मंत्रियों को कुछ को पता नहीं है, इसके बावजूद भी फॉर्म भर दिए गए और एडमिट कार्ड भी आ गए थे। लेकिन जो ये घोटाला हो रहा है, इनको रोकने के लिए सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि राजस्थान के बेरोजगार और संविदा कर्मियों को एक छोटी सी उम्मीद लगी थी कि हम अल्प वेतन से कुछ अच्छा कमा पाएंगे और जो लंबे समय से दवाई लिखने का अधिकार था उसमें कुछ दवाइयाँ लिख पाएंगे, मगर इन अधिकारियों की और इस जो NHM कर्मियों की और जिसमें इसमें जो भी अधिकारी लिप्त है उन किसकी मिली भगत है, इसकी राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं कि उसके निष्पक्ष जांच हो। राज्य सरकार और विभागीय मंत्रियों को अनदेखा करते हुए NHM के अधिकारियों ने और निदेशक ने भर्ती विज्ञापन जारी किया था, इसलिए इस भर्ती को अभी प्रक्रिया को रोक दिया गया है और ये भर्ती जहाँ तक है रद्द की ओर जारी है। साथ ही राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार ने प्रदेश की ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए लगातार रिक्त पदों पर भर्तियां करने की मांग की गई थी और उसी कड़ी में ये परीक्षा हो रही थी। एक साल से इस भर्ती को लेकर तैयारियां कर रहे थे। उन जो हमारे स्टाफ हैं या बच्चे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या दूसरे जो काम, उन लोगों की बहुत मायूसी उतार रहे। सरकार को इसके ऊपर सख्त कदम उठाना, क्योंकि जब विभाग के आधा अधिकारियों को पता नहीं है कि ऐसी भर्तियां हो रही हैं तो ऐसा तो बहुत बड़ी ये बड़ी बात है। तो वही चिकित्सा मंत्री ने घोटाले का पता लगते ही ACS को जांच के आदेश दे दिए हैं।
जो पूरा सेल है, एचआर सेल वहाँ पे, उनको सब के ऊपर एक्शन लिया गया और पूरी रिपोर्ट एसीएस से हमने मांगी है, रिपोर्ट आने दो, उसके बाद देखते हैं क्या क्या। एनएचएम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें एनएचएम अधिकारियों ने मंत्री और एसीएस को नज़रअंदाज करते हुए भर्ती निकाल दी, जिसमें मंत्री को पता लगते ही मंत्री ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि भर्ती में होने वाले इस घोटाले को लेकर किस प्रकार विभाग कार्रवाई करता है। जयपुर से कैमरामैन रामकिशन सैनी के साथ लोकेश ओला A1 TV।